हाँ देखिए, आज जो है आपको टेंशन पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि GR ब्रिलियंट क्लासेस से रिलेटेड है। और ये टेंस टेंस का मतलब आप लोग जानिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेंस। एक काल होता है, काल मीन्स टाइम, ये समय को डिनोट करता है। व्हेन आई वाज इन क्लासेस, वन टीचर आस्क द मीनिंग ऑफ टेंस। वन बॉय वन स्टूडेंट टोल्ड दैट टेंस मीन्स काल। अदर डिस्क्राइब्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काल। काल का हिंदी माने, काल तो हिंदी है, इसका मीनिंग क्या है, हिंदी बताइए। हिंदी में मीनिंग तो बताए मौत, लेकिन मौत से मतलब नहीं, ये टाइम से मतलब है। काल मीन्स कहावत है, काल आ गया है, ऐसी बात नहीं है। काल का मतलब समय से मतलब है। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं टेंस जो होते हैं, आपको काइंड्स इसके हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। नंबर वन, हाँ देखिए, नंबर वन जो है आपका प्रेजेंट टेंस होता है। नंबर टू आपका पास्ट टेंस होता है। और नंबर थर्ड ये आपका आएगा इसमें फ्यूचर टेंस। तो इसमें हम आज पढ़ाएंगे, इसके भी कांस हो जाते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के भी कांस बनेंगे, पास्ट टेंस के भी कांस बनेंगे, फ्यूचर टेंस के भी कांस बनते हैं। फोर फोर कांस होते हैं। तो आपके आसानी के लिए मैं इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ, प्रेजेंट टेंस सेकंड में लिख दीजिए आप लोग, पास्ट टेंस फिर नेक्स्ट में लिखिए, ये आपका फ्यूचर टेंस है। और बाय टेबल जो है आप इसको लर्न कर सकते हैं। हाँ देखिए, प्रेजेंट टेंस के इसमें फोर काइंड्स होंगे। कौन कौन? नंबर वन सिंपल प्रेजेंट टेंस, नंबर टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नंबर थर्ड आप लिखेंगे इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नंबर फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए, नंबर वन जो है सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस है, नंबर टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नंबर थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, नंबर फोर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। उसी तरह से हम पास्ट टेंस को क्या करेंगे डिनोट, नंबर वन में सिंपल पास्ट टेंस लिखेंगे, प्रेजेंट टेंस की जगह पे हम पास्ट टेंस यूज करेंगे, और आपका डिवाइड हो जाएगा। नंबर वन सिंपल पास्ट टेंस, उसी तरह से इसमें फ्यूचर के लिए नंबर वन करेंगे, यहाँ पे आप सिंपल लिखेंगे और पास्ट के यहाँ बदलेंगे फ्यूचर। बस पास्ट के आप फ्यूचर यूज करेंगे, आप डिवाइड कर सकते हैं ऑटोमेटिक। तो सिंपल फ्यूचर टेंस,
फिर इसमें आइए अगेन नंबर टू लिखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कर सकते हैं प्रेजेंट के यहाँ, और ये आपका नंबर टू फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। नंबर थर्ड प्रेजेंट के यहाँ आप लिखेंगे फ्यूचर पास्ट, पास्ट लिखिए परफेक्ट टेंस, उसी तरह से नंबर थर्ड इसमें होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फिर इसमें आइए फोर्थ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और इसमें चले आइए लास्ट में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इतने हमारे डिवीजन होते हैं टेंस के, ठीक है। तो इसको लर्न करने का, सोचने का या समझने का तरीका देखिए क्या होता है, हाउ टू लर्न, हाउ टू मेमोराइज द टेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेंस होता है, उसके थ्री पार्ट्स हो गए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब इसके भी पार्ट्स हैं प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट टेंस के फोर फोर पार्ट्स, पास्ट टेंस के फोर पार्ट्स, इसके भी फ्यूचर के भी फोर पार्ट्स। तो नंबर वन सिंपल में क्या है, ये प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसी तरह से इसमें सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे, इसमें फ्यूचर सिंपल फ्यूचर करेंगे, ठीक है। नंबर टू में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नंबर टू में पास्ट में क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। बस फ्यूचर आपको नोट करना है, पास्ट नोट करना है, और बाकी सब इसी तरह से आप एक को ग्लैंस को इस लर्न कर लेंगे, समझ लेंगे, तो उसी तरह से आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। अब हम चाहेंगे इसके बाद कि अगले वीडियो में जो है आपको ये टेंस के रूल्स बताने जाएंगे, ठीक है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल क्या हैं, उसमें इंग्लिश मीडियम के बच्चे और हिंदी मीडियम के बच्चे दोनों स्टूडेंट्स आप लोग सीख सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, तुम भी लिखो, तुम भी लिखो।